दोस्तों, हमारे पास आप लोगों की ACL टीयर को लेके बहुत सारी क्वेरीज आती है। उसमें से एक क्वेरी ये भी है कि मुझे 5 साल हो गए ACL टीयर को, पर मुझे कोई पेन नहीं है। जब मैं चलता हूँ तो मुझे कोई पेन नहीं होता, पर मेरे को थोड़ी लचक की महसूस होती है, पर मैं अपना सारा काम कर पा रहा हूँ, बस मैं भाग नहीं पा रहा। तो आखिर मैं ऑपरेशन या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ACL के लिए क्यों करवाऊँ जब मुझे दर्द ही नहीं है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी ACL इंजरी को नज़रअंदाज करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है। ACL हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली घुटने की हड्डियों को जोड़ता है। जब हमारा ACL टूट जाता है तो हमें सिर्फ लचक, सिर्फ इनस्टेबिलिटी महसूस होती है। जब तक कि हमारी ऊपर और नीचे वाली हड्डी के ऊपर मोटी कार्टिलेज की परत मौजूद है, तब तक हमें कोई दर्द नहीं होता। पर जब ACL टूट जाता है, ये जो माइक्रो मूवमेंट क्रिएट होता है हमारी दोनों हड्डियों के बीच में, क्योंकि उन दोनों के बीच वाला धागा टूट चुका है, वो मेरे कार्टिलेज को बहुत जल्दी घिस देता है। तो कुछ लोगों में 10 साल के अंदर, कुछ लोगों में 8 साल के अंदर वो धीरे धीरे कार्टिलेज पूरा घिस जाता है। जब आपका कार्टिलेज पूरा घिस जाएगा तब आपको दर्द फील होना चालू होगा घुटने के अंदर। उस समय ACL का ऑपरेशन तो संभव है, पर घुटना दर्द जो चालू हो गया है हम उसका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे। कार्टिलेज एक बार लॉस हो गया तो पूरी तरह से वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ACL का सही समय पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ACL टीयर है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ACL टीयर के लिए सिर्फ सर्जरी ही इलाज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत तरह के इलाज अवेलेबल हैं जिसमें हम इंजेक्शन की मदद से, PRP की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से हम आपके ACL को हील कर देते हैं। अगर सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है तो भी काफ़ी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप 3 महीने के अंदर वापस खेल में और दौड़ लगाने में सक्षम हो जाते हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।